इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। आज ही हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। केजरीवाल ने कहा था कि ईडी के सामने मैं पेश हूंगा लेकिन मेरी गिरफ्तारी ना हो, ये बात कोर्ट कहे ईडी से, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और संभावनाएं यही जाहिर की जा रही थी कि किसी भी वक्त केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंच सकती है। और बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है, केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है, संभवतः केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लगातार 9 समन अरविंद केजरीवाल के सामने पेश किए गए लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और बार बार हाईकोर्ट से अर्जियां लगाते रहे। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। संभावनाएं आज दिन से ही जाहिर की जा रही थी कि अब ईडी की टीम नहीं रुकेगी क्योंकि लगातार 9वां समन पेश कर चुकी है ईडी की टीम। बार बार बहाने बनाते रहे अरविंद केजरीवाल और आखिर में उन्होंने कहा कि ईडी मुझे गिरफ्तार करनेगी इसलिए मैं पेश नहीं हो रहा, और यही अर्जी उन्होंने हाईकोर्ट के सामने लगाई जिस पर आज दिन में सुनवाई पूरी हुई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस अर्जी में कहा था कि ईडी की टीम उन्हें अरेस्ट ना करे, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर मना कर दिया। हाईकोर्ट ने जो सुनवाई की उसमें ईडी की तरफ से उन्होंने जांच में क्या कुछ पूछा जाना है और क्या सबूत है ईडी के पास अरविंद केजरीवाल को लेकर के, ये तमाम बातें हाईकोर्ट की तरफ से पूछी गई थी जिसमें ईडी ने साफ तौर पर कहा था कि सबूत को लेकर के सिर्फ बातचीत ईडी की टीम कोर्ट से करेगी। अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की जो मांग उन्होंने की थी, गिरफ्तारी ना हो, उससे साफ तौर पर हाईकोर्ट ने मना किया। और इसी बीच ईडी की जो टीम है अब शाम लगभग 7 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पर ये टीम पहुंच चुकी है। संभावनाएं कि यहां पर या तो पूछताछ होगी या फिर अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर जा सकती है। शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था जिसमें आज सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, लेकिन अब ईडी की टीम इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई है। इसी बात का डर अरविंद केजरीवाल को था। 9 समन में बार बार बहाने बनाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए, एक भी बार ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूछताछ ईडी की टीम करे, लेकिन ईडी की टीम नहीं मानी। और जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो फिर हाईकोर्ट की तरफ से संज्ञान लेते हुए ये कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक हाईकोर्ट नहीं लगा सकता। और अब अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। संभावनाएं बनती नजर आ रही है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यहां से हो जाए, क्योंकि 9 समन पेश होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, ईडी के समक्ष नहीं पहुंचे और बार बार बहाना बनाया, हाईकोर्ट तक पहुंचे, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर से मना कर दिया। उनकी गिरफ्तारी पर रोक की बात से हाईकोर्ट ने इनकार किया, जिसके बाद ईडी की टीम आज शाम अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच चुकी है, उनके घर पर पहुंच चुकी है और संभावनाएं हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यहां से हो सकती है। गिरफ्तारी के संरक्षण पर नहीं राहत मिली आज दोपहर अरविंद केजरीवाल को और अब केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल बार बार समन पेश होने के बावजूद ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ करनी थी ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करती, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूछताछ के लिए एक भी समन में नहीं पहुंचे और ऐसे में अब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। अब या तो वहां पूछताछ होगी या फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि गिरफ्तारी के संरक्षण की जो मांग कर रहे थे अरविंद केजरीवाल उसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया, जिसके बाद ईडी की टीम इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच चुकी है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी यहां से संभव है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से दिखा रहे हैं। ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी संभव है, क्योंकि प्रावधान है कि अगर ईडी के समन के बावजूद कोई पेश नहीं होता उस लिमिटेशन के बाद, तो गिरफ्तारी सीधे ईडी कर सकती है। या देखिए
कागजी कार्रवाई जो है वो इस वक्त हो रही है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की टीम पहुंची हुई है, बातचीत होते हुए कागजी कार्रवाई यहां पर की जा रही है और फिर ईडी की टीम अंदर पहुंच करके पूछताछ करेगी। और इसी बात का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा था, उन्हें डर था कि अगर ईडी के सामने वो पेश होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी ईडी कर लेगी और इसीलिए एक अर्जी हाईकोर्ट में उन्होंने लगाई थी कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, ये बात हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया जाए। लेकिन गिरफ्तारी पर संरक्षण की मांग को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया और आज दोपहर ही ये सुनवाई पूरी हुई है, जिसके बाद ईडी की टीम इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो सकते हैं, ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि ईडी की टीम यहां पहुंची है। यहां या तो घर पर पूछताछ होगी या फिर ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर के जाएगी। गिरफ्तारी के संरक्षण पर राहत हाईकोर्ट की तरफ से नहीं मिली और ईडी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। कागजी कार्रवाई यहां करते हुए ईडी की टीम नजर आ रही है, जो गार्ड्स हैं उनसे बातचीत हो रही है, पुलिस की मौजूदगी यहां पर है और ऐसे में ईडी की टीम पहुंच करके बातचीत करते हुए बॉडीगार्ड से सुमित मेरे साथ कनेक्ट हो गए। सुमित, जिस बात की संभावनाएं जाहिर की जा रही थी वही हुआ, ईडी को जैसे ही हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिली है उसके बाद ईडी की टीम इस वक्त दबिश देने पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल के घर। जी बिल्कुल शिखा, देखिए आज दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इस स्टेज पे हम गिरफ्तारी के संरक्षण पर केजरीवाल को राहत देने नहीं जा रहे हैं। इसके बाद से ईडी हरकत में आई है क्योंकि आज सुनवाई के दौरान भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो ईडी की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने बताया कि हम कोर्ट के सामने ये नहीं बता सकते हैं कि हम पूछताछ करने के बाद हम केजरीवाल के साथ क्या करेंगे, हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं भी कर सकते हैं। ये दोनों बातें ईडी ने हाईकोर्ट में आज कही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से तमाम सबूत और दस्तावेज जो आज कोर्ट के सामने ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ रखे थे, उसके बाद से ही हाईकोर्ट ने जो केजरीवाल को अंतरिम राहत नहीं दी है उसी के बाद से ईडी जो है वो हरकत में आई है। और संभवतः क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की फौरी तौर पर राहत केजरीवाल को नहीं दी है, ऐसे में ईडी के पास गिरफ्तारी करने का अधिकार है और इस लिहाज से ईडी इस वक्त हरकत में आई है क्योंकि 9 समन को इग्नोर करते हुए केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे थे। हालांकि केजरीवाल की जो मुख्य याचिका है और आज जो इंटरिम स्टे की जो मांग कर रहे थे उन दोनों याचिकाओं पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच किसी भी तरह का संरक्षण जो है वो केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दिया है। इस लिहाज से ईडी जो है कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इस लिहाज से आने वाले दिनों में यानी कि जिस तरह से ईडी फिलहाल हरकत में आई है, पूछताछ करने के बाद क्या गिरफ्तार कर सकती है, ये सबसे बड़ा अच्छा, सवाल सुमित, लेकिन रूल क्या कहता है, कानून क्या कहता है? क्योंकि एक प्रावधान है कि ईडी अगर 7 समन पेश कर देती है या संभवतः 9 समन पेश कर देती है तो उसके बाद गिरफ्तारी ईडी की टीम कर सकती है। देखिए शिखा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 5 समन या 7 समन के बाद ही गिरफ्तारी हो, ऐसा कोई मनी लॉन्ड्रिंग में प्रावधान नहीं है। प्रावधान ये है कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ यानी कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर सबूत हैं यानी कि उसके खिलाफ मटेरियल्स हैं तो उस बिना पर पूछताछ के बाद अगर सही सही सवालों का जवाब अगर कोई व्यक्ति नहीं देता है तब गिरफ्तारी करने का जो है अधिकार एक तरह से प्रावधान जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दिया हुआ है। और देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का जो सेक्शन 49 है वो काफी एक तरह से आरोपी के बायस्ड होता है क्योंकि जब तक मजिस्ट्रेट को नहीं लगता है कि वो व्यक्ति क्राइम नहीं किया हो तब तक बेल देने का प्रावधान ही नहीं है। क्योंकि आपने एग्जाम्पल देखा होगा मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक को जमानत जो है इस केस में नहीं मिल पाई है और इस लिहाज से इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है इसमें जो जांच की जो आंच है लगातार बढ़ रही है। के कविता को लेकर फिलहाल ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, उनकी जो रिमांड है वो
शनिवार को खत्म हो रही है, तो इस बीच जो है क्या ईडी को क्या कुछ और सबूत मिले हैं केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि केजरीवाल से लगातार ईडी पूछताछ करना चाहती है। और सबसे अहम बात है कि इस पूरे मामले में जो 33% किकबैक के कविता को जो मिलना था शराब घोटाले में, हो सकता है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल जो है ईडी जो है केजरीवाल से इसी सिलसिले में पूछताछ करना चाहती हो। इस लिहाज से लगातार समन जो है वो के कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को भेजा जा रहा था। ऐसे में हाईकोर्ट भी दखल देने से इनकार किया है इस पूरे मामले में कि हम गिरफ्तारी पर फिलहाल संरक्षण देने नहीं जा रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में पूछताछ अगर होती है, आज ही अगर पूछताछ होती है, तो क्या संभवतः गिरफ्तारी केजरीवाल की होती है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन एक ऑप्शन शिखा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऑप्शन अभी भी केजरीवाल के पास बचा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजन बेंच का आज का आदेश है। इस आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं कि हमें गिरफ्तारी का संरक्षण दीजिए, जब तक दिल्ली हाईकोर्ट उनकी 22 अप्रैल को जो सूचीबद्ध है मामला, उस पर जब तक कोई हाईकोर्ट फैसला नहीं ले लेता है, सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। तो हो सकता है कि कल 10:30 बजे जब CGI की बेंच बैठे, उस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं वो इस मामले को रखे और जल्द सुनवाई की कल ही मांग करके, क्योंकि कल के बाद मान लीजिए आज ईडी की टीम आज ही गिरफ्तार कर लेती है अरविंद केजरीवाल को, अगर पर्याप्त सबूत है तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल तो पूछताछ होगी, अगर पूछताछ में सही सही सवालों का जवाब अगर केजरीवाल नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी और 24 घंटे के अंदर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। और यहाँ जिस तरह से के कविता में रिमांड की मांग ईडी ने की थी, उसी तरह से गिरफ्तारी के बाद रिमांड की मांग की जा सकती है। हालांकि फिलहाल पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि आज जब सुनवाई हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट में तो ईडी के वकील ने हाईकोर्ट को यह भी बताया था कि वो पूछताछ करना चाहती है इस पूरे शराब घोटाले मामले में, क्योंकि एक मुख्यमंत्री की हैसियत से ईडी ने कभी भी समन केजरीवाल को नहीं भेजा है। इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर समन इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि कुछ सवालों का जवाब ईडी इस मसले पर जानना चाहती है, और ईडी ने यह भी नहीं साफ साफ कोर्ट से कहा कि वो गिरफ्तार नहीं करेगी। इस लिहाज से संशय बना हुआ है कि अगर पूछताछ में सही सही सवालों का केजरीवाल जवाब नहीं देते हैं तो संभवतः केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, और केजरीवाल को 24 घंटे जब गिरफ्तारी होगी तो 24 घंटे के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि 3 सबसे बड़ी गिरफ्तारी अब तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो गई है। सिखा अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता के बाद अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो चौथी सबसे बड़ी अब तक की गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले में होगी, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल पूछे थे ईडी से जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ईडी से पूछा था कि जब बेनिफिट का पैसा आम आदमी पार्टी को मिला तो आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। ईडी ने जवाब दिया था कि आने वाले दिनों में जांच चल रही है और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है वो केजरीवाल ही है, तो निश्चित तौर पर अगर गिरफ्तारी होती है तो आरोपी जो है अरविंद केजरीवाल को बनाया जाएगा, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं। तो ये पहले ही बयान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। इस लिहाज से जिस तरह से पूछताछ के लिए लगातार ईडी समन पे समन भेज रही है, ये सवाल जरूर बनता है आने वाले दिनों में कि इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं केजरीवाल, उनको अगर आरोपी बनाती है तो इस मामले में एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ शराब घोटाले का पूरा जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो आम आदमी पार्टी को इस रिश्वत का, इस घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी को बेनिफिट मिला था, ये सुनवाई के दौरान एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था ईडी से। तो निश्चित तौर पर अगर सबसे बड़ी गिरफ्तारी अगर केजरीवाल की होती है इस पूरे केस में, तो आने वाले दिनों में कुछ और परत दर परत जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खुलते चले जाएंगे। तो आने वाले दिनों में केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, जो सोर्सेज बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल जो है वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस बीच ईडी का क्या कुछ एक्शन होगा सिखा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। सुमित बने रहिएगा टेलीफोन लाइन पे। तो देखिए, ये जो दिल्ली की राजनीति है वो एक नया करवट ले सकती है, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केजरीवाल के घर पर हलचल इस वक्त तेज हो चुकी है, ईडी की टीम पहुंच चुकी है।